मुलाकात करेगा, युवती से मुलाकात करेगा। और इसके साथ ही जो अहम एक ये है कि वहां पे जो आरोपी था उसका ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की गई, बुलडोजर कार्रवाई की गई, किस तरह से देखिए? देखिए, जब मामला सरकार के संज्ञान में आया तो मुकदमा पंजीकृत हुआ, गिरफ्तारी हुई और जो दोषी उसमें पुलिस कर्मी थे जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे वो भी सस्पेंड हुए हैं। और सरकार हमेशा गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, जिसका उदाहरण आपने देखा कि जो सरकार का बुलडोजर है वो भी अपना काम कर चुका है और कर भी रहा है, कर चुका नहीं बल्कि कर रहा है। तो कार्रवाई में कहीं भी सरकार पीछे नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ चाहे वो कितना भी ताकतवर हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ तक सवाल वहाँ प्रतिनिधिमंडल जाने का है तो दुख की घड़ी में सबको जाना चाहिए। इसके साथ ही के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, जैसे आज एनडीए की सरकार है यूपी में तो उसको बुलडोजर के नाम से लोग जानते हैं, डर है, बुलडोजर का नाम आने पर करेजा कांप जाता है, ये है ये सरकार का भय। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, संरक्षण मिलता था। और समाजवादी पार्टी की समूह से बोल रही है, जब उसी का नेता अपराध कर रहा है, अभी हरदोई का मामला उठा के देखिए, उनकी ही पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष अभी वो हत्या कराया वकील का, जिसके ऊपर इतने मुकदमे सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गिनवा दिया, जब उनकी सरकार थी तो कोई कार्रवाई नहीं उसके खिलाफ की, चूंकि वो उनकी पार्टी का एक नेता था। तो जो सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर उनको भरोसा नहीं है तो हम तो कह रहे हैं कि भगवान राम भी जब उनके ऊपर किसी ने ताना मारा तो वो भी अपना भेष बदल करके जाकर के जांच किए थे, तो अखिलेश जी भी जाके जांच कर लें उसके विषय में, तो उनको भी दूध का दूध पानी का पानी पता लग जाएगा। एक और अहम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सपा, वो मुसलमान और यादवों से दुश्मनी रखती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों से दुश्मनी रखने का आरोप लगाया है। अब सांसद जी हैं, बात करते हैं मुसलमानों की, बात करते हैं यादवों की, तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उसके लिए तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं, उनको मान्यता दी गई है, ये बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं, तो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने नहीं किया तो चार बार तो सपा की गवर्नमेंट थी, आप उसमें विधायक थे, क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आई मुसलमानों के हित के लिए कि उत्तर प्रदेश में दो यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड को वहीं अटैच कर दें, मान्यता दे दें वहीं से? अगर दिक्कत थी तो मदरसा बोर्ड की शिक्षा नियमावली में जो कमजोरी थी, कमी थी, उसको संशोधन कर देते, ये तो ज्ञान नहीं आया। जब सरकार चार बार रही तो पुलिस की भर्ती होती थी, या यूं कह लीजिए जब चुनाव आता था तो ये मुसलमान बोरा का बोरा वोट देता था, और जब सरकार बन जाती थी तो यही सांसद एंड कंपनी के लोग समाजवादी पार्टी के ये मुसलमानों को खाली झोरा थमा देते थे, खाली झोरा लेके घूमो कुछ नहीं मिलेगा, पुलिस की भर्ती हो, खुलेआम तांडव किया समाजवादियों ने। और बात करते हैं यादव की, पिछड़ों में खाली यादव आता है, नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला चौहान राजभर सहित
आरक अरकबंसी बंजारा बहेलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर सब लोग आते हैं। पुलिस की भर्ती में खाली यादव क्यों किया आपने भैया? तब नहीं दिखाई दिया उस सांसद को कि भर्ती हो रही है तो खाली एक जाति की चिन्ह करके? अभी सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा 86 में 56 SDM खाली यादव। अगर सच बोला जाए तो बुरा लग रहा है। तो ये सच्चाई है कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, मुसलमानों को धोखा अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया। ये लोग बोरा का बोरा वोट लिए, खाली झोरा थमा दिए मुसलमानों को, अति पिछड़ों को भी लेके झोरा घूमो, कुछ बात ना करो। कांग्रेस तो कह रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सदन में मुसलमान 16 आरोपी थे, 16 में से सिर्फ दो, एक मुसलमान और एक यादव का नाम लिया, उससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी के दिल में बहुत नफरत है मुसलमानों से। नफरत तो सदन में उजागर हो गई, दो मुहा सांप की तरह लोग बोल रहे हैं लोकसभा के अंदर। वही अखिलेश यादव जी प्रेस वार्ता में एक पत्रकार का नाम पूछे, उसके बाद उसकी जाति पूछे कि मिश्रा, देखो वे मिश्रा जी हैं, वो टीवी पे चलता है। और वही अखिलेश यादव जी जातिवार जनगणना की बात करते हैं। किस जाति की गणना की बात करते हैं? यादव की, कि जो प्रदेश में, देश प्रदेश में या देश में जो जातियां हैं 6743 जातियां हैं, सभी जातियों की गिनती की बात करते हैं? अगर सदन के अंदर किसी सांसद ने पूछ लिया जाति तो बुरा लग रहा है जाति बताने में। बात करोगे जातिवार जनगणना की, जब जाति पूछी जाएगी तो आपको, आप लोगों को दर्द होता है कि नहीं हम जाति नहीं बताएंगे? तो ये लोग जो करते हैं, ये अति पिछड़ों का, मुसलमानों का, दलितों का हक लूटने वाले लोग हैं और गुमराह करके वोट लेने वाले लोग हैं। हम बार बार कहते हैं कि मुसलमानों ने जितना झूम के वोट दिया, सपा की सरकार बनाया, कांग्रेस की सरकार बनाया, लेकिन सरकार बनने के बाद इन लोगों ने सिर्फ वोट का समय आता है तो बोरा का बोरा भर देता है मुसलमान पिछड़ा। जब सरकार बन जाती है तो फिर इन लोगों को खाली झोला छमा देते हैं, जाओ झोला लेके 5 साल घूमते रहो, कुछ मिलेगा नहीं झोरा में, फिर टाइम आएगा तो हम बोरा लेके आ जाएंगे। पीड़िता की हर संभव सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीड़िता की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करते तो अपने सांसद से इस्तीफा की मांग बात करना चाहिए कि उनके सांसद का सहयोगी जो नगर अध्यक्ष रहा है उसको संरक्षण देने वाले कौन है? सांसद जी, ये बात जग जाहिर हो रही है, तो उनको अपने सांसद से इस्तीफा लेना चाहिए था। और उनको उस पीड़िता की चिंता ना करें, सरकार खुद चिंतित है, सरकार उसकी सारी व्यवस्था करने को तैयार है। वो सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और कोई बात नहीं है।